ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आपका एक छोटा सा यूनिट और है, ये फिफ्थ यूनिट है आपका, चैप्टर 10 वर्किंग कैपिटल में, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, मींस क्रेडिटर्स से हम लोग को क्रेडिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट? अगर हम टेक क्रेडिट करते हैं, बराबर, अगर हम क्रेडिट करते हैं तो उसका क्या कॉस्ट रहता है, राइट? एक तो सबसे पहली बात है कि प्राइस, हमको अगर हम क्रेडिट पे माल परचेज करेंगे तो हमें क्या रहेगा, प्राइस हमको ज़्यादा देना रहता है, राइट? अगर कैश में खरीदेंगे तो अपने को डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर क्रेडिट पे लेंगे तो अपने को प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है? अगर सपोज हम पेमेंट नहीं कर पाए, उसको बोला कि भाई 2 मंथ्स में हम आपका पेमेंट कर देंगे, नहीं कर पाए तो देर इज अ लॉस ऑफ गुडविल भी होता है। फिर उसके बाद आपने परचेज कर लिया, फिर उसको अकाउंटिंग करो, फिर उसको चेक इशू किया तो फिर बैंक में एंट्री डालो, तो कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग भी आपको पैसा लगता है, राइट? फिर अगर कभी कभी सप्लायर बोलता नहीं आपको 10 kg खरीदना पड़ेगा तो ही मैं आपको क्रेडिट दूंगा, राइट? हमको जरूरत है 5 kg की, लेकिन वो बोलता है हमको 10 kg खरीदोगे तो ही मैं आपको दूंगा। लेकिन इसके फायदे क्या रहते हैं कि भी वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है, सामने अगर क्रेडिट आपको मिलता है तो इट्स जस्ट लाइक ए इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर वो आपको बोलता है कि 1 मंथ का मैं आपको क्रेडिट दूंगा, इसका मतलब आपका जो क्रेडिटर्स का पैसा है उसको आप 1 मंथ तक यूज कर सकते हो करके ना। कभी कभी एक छोटा मोटा, कभी कभी इस पर एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो वो मैं आपको करा देता हूँ। तो आप जरा देखिए पेज नंबर इलस्ट्रेशन 21, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 21 एंड पेज नंबर 10.27, इलस्ट्रेशन 21 पेज नंबर 10.27, इलस्ट्रेशन है आपका 21 एंड आपका पेज नंबर है 10.27। द कंपनी परचेज रॉ मटेरियल ऑन टर्म्स 2/10 नेट 30, इसका मतलब 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 डेज में पेमेंट है, अदरवाइज 30 डेज में आप पेमेंट कर सकते हो, 2/10 नेट 30। ए रिव्यू ऑफ कंपनीज रिकॉर्ड बाय द ओनर मिस्टर गौतम रिवील्ड दैट पेमेंट्स आर यूजली मेड 15 डेज आफ्टर द परचेज आर मेड। हम लोग जब भी परचेज करते हैं उसका ऑन एन एवरेज हम 15 डेज के बाद पेमेंट करते हैं, हम लोग 15 डेज के बाद पेमेंट करते हैं। व्हेन आस्क्ड व्हाई द फर्म डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट्स डिस्काउंट्स, द अकाउंटेंट मिस्टर रोहित रिप्लाइड दैट इट कॉस्ट ओनली 2% फॉर दीज फंड्स, वेर इज द बैंक लोन वुड कॉस्ट द कंपनी 12%। तो वो क्या बोलता है कि बैंक का जो लोन है दैट इज एट द रेट ऑफ 12% है, लेकिन डिस्काउंट का जो प्राइस है, दिस इज अ डिस्काउंट एंड डिस्काउंट इज ओनली 2%, डिस्काउंट इज ओनली 2%, लेकिन ध्यान रखो दिस इज ए पर एनम एंड दिस इज ओनली फॉर 5 डेज, मींस 15 डेज में वी आर मेकिंग द पेमेंट, 15 डेज में वी आर मेकिंग द पेमेंट, आउट ऑफ दिस 15 डेज 10 डेज तो अपने पास फ्री है क्योंकि उसने बोला कि 2/10 नेट 30, अगर आप 10 डेज में पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट है। खाली 5 डेज देने की वजह से हम लोग का जो डिस्काउंट है वो चला जाएगा। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द डिस्काउंट टू अस, अगर अपन देखें तो डिस्काउंट का कॉस्ट क्या है, इसका मतलब अगर 5 डेज में आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट कॉस्ट आपका है 2 रुपीज, तो 5 डेज में ये है तो 365 में कितना हो गया, इसका मतलब दिस इज 2/5 इंटू 365, सो 2/5 इंटू 365 दिस कम्स टू 146, 146 ऑन। अब देखो आपने 100 का परचेज किया, व्हाट इज द परचेज 100, उसमें से आपको डिस्काउंट कितना था 2, तो आपको नेट पेमेंट कितना करना था 98, 98 पे यू आर लूजिंग 146 रुपीज, इट मीन्स इन परसेंटेज टर्म्स 146/98 इंटू 100 आप लूज कर रहे हैं 149% अमाउंट आपका जो रिटर्न था वो आप लूज कर रहे हैं बाई नॉट टेकिंग द डिस्काउंट, जबकि बैंक का तो 12% ही है पर एनम और ये कॉस्ट हमें आ रहा है पर एनम 149%, मीन्स 5 डेज का कॉस्ट कितना है 2 रुपीज, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा,
146 और 98 रुपीज पे आप यू आर लूजिंग द अमाउंट ऑफ 146, इट मीन्स 149%। और ऐसे अगर अपन देखने जाएंगे पर एनम तो बैंक का कॉस्ट 12% है, सो दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द कैश डिस्काउंट इज 149%। अगर हम नहीं ले रहे हैं डिस्काउंट तो 149% हमको कॉस्ट है, जबकि बैंक का यही है। दूसरा उसने बोला है, इफ द फर्म कुड नॉट बोरो द बैंक एंड वॉज फोर्स टू रिसोर्ट द यूज ऑफ ट्रेड क्रेडिट फंड, वॉट सजेशन माइट बी मेड टू रोहित दैट वुड रेड्यूस द एन। अगर आपको बैंक का फैसिलिटी नहीं है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, देयर फॉर द पेमेंट शुड बी मेड बाई 30 डेज, पूरा की पूरा जो क्रेडिट है वो आपको यूज करना पड़ेगा पूरा। अगर आपको बैंक का लोन, इफ द बैंक लोन फैसिलिटी कुड नॉट बी अवेलेबल देन इन दिस केस द कंपनी शुड रिसोर्ट टू यूटिलाइज मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड एज पॉसिबल, देयर फॉर पेमेंट शुड बी मेड इन 30 डेज। फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ओके, इज दिस क्लियर? इसका मतलब ये केस में आपको डिस्काउंट लेना चाहिए क्योंकि आपका बहुत ज्यादा रिटर्न हो रहा है। ओके, और अगर नहीं है तो यू मेक द पेमेंट इन 30 डेज। से यस नो फ्रेंड्स? प्रॉपर? ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ यू टेक, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 20 एंड पेज नंबर 10.27। एकदम आराम से आप समझिए जरा ना क्वेश्चन को, वापस से वही है, इलस्ट्रेशन 20 एंड पेज नंबर 10.27। सपोज एबीसी लिमिटेड हैज बीन ऑफर्ड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स कस्टमर सप्लाई 2/10 नेट 45, इट मीन्स 2% डिस्काउंट इफ द पेमेंट इन 10 डेज अदरवाइज इन 45 डेज। हेंस द कंपनी हैज द चॉइस ऑफ पेइंग 10/100 और टू इन्वेस्ट 98 फॉर एन एडिशनल 35 डेज एंड इवेंचुअली पे द सप्लायर 100/100। दिस डिसीजन एज टू वेदर द डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग 98 फॉर 35 डेज। एनालाइज व्हाट शुड बी द कंपनी रूल। सी, अगर कंपनी 45 डेज में पेमेंट करती है तो कंपनी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा अपन को, 100 रुपीज। और अगर हम 10 डेज में पेमेंट करते हैं तो 2 रुपीज हमको डिस्काउंट है, बराबर, और नेट पेमेंट हमको करना पड़ेगा 98 रुपीज। सही है सोनो फ्रेंड्स? इसका मतलब 45 माइनस 10, 35 डेज के लिए वी आर लूजिंग द डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज। तो इसका कॉस्ट क्या आ रहा है? सपोज दिस इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट, यू कैन से ₹2 फॉर 35 डेज। इट मींस 98 इज योर प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 35/365 एंड दिस कम्स टू ₹2। 2 रुपीज हमारा क्या है टोटल इंटरेस्ट, इसका मतलब इंटरेस्ट का परसेंटेज हमारा क्या आएगा। ओके, इट मींस दिस इज 98 इंटू 100, 98 इंटू 35 इज 3430 इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 36500 इक्वल टू 2, देन इंटरेस्ट इक्वल टू 3430 डिवाइडेड बाय 36500, योर इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू, यू टेक 3430 डिवाइडेड बाय 36500 इज 0.09397260273 इक्वल टू 2, इंटरेस्ट इक्वल टू 2, देन इंटरेस्ट इक्वल टू दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 0.09397260273 इनटू एंड दिस कम्स टू 21.28%। अगर 21.28% तक अगर उसका है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप उसको पढ़ रही, अगर उससे कम है तो उसको लेना चाहिए,
अगर उससे ज्यादा है तो नहीं लेना चाहिए। मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने को क्या आ रहा है 21.28%, 21.28% अपने को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट फ्रेंड्स? हाँ, ये 45 डेज 100 रुपीज, 10 डेज में 2 रुपीज डिस्काउंट है। अगर आप 10 डेज में कर देते हो तो आपको 98 ही पेमेंट करना है। इसका मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट 2 रुपीज फॉर 35 डेज। ये तो आप 35 डेज के बाद करोगे तो 2 रुपीज आपका गया। तो इंटरेस्ट, मैंने ये इक्वेशन सॉल्व किया और ये आपका इक्वेशन सॉल्व होकर इंटरेस्ट कॉस्ट आपको आ रहा है 21.28%। अब 21.28 इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपको 21.28 है, अगर उससे ज़्यादा आपका आ रहा है तो आपको डिसीजन लेना चाहिए, और अगर आपको कम आ रहा है तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन होना चाहिए। सही आंसर ना फ्रेंड्स। ओके।